नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आलोक और आप देख रहे हैं तीन की बात। महाराष्ट्र में एक बार फिर सियासी हलचल तेज हो गई है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख का इस्तीफा, सीएम उद्धव ठाकरे से मिलने जा रहे हैं देशमुख। सीएम, आपको बता दें कि देशमुख सीएम उद्धव ठाकरे को सौंपेंगे ये इस्तीफा। सीबीआई जांच के निर्देश के तीन पास सौंप दिया है सीएम उद्धव ठाकरे से मिले अनिल देशमुख और देशमुख का इस्तीफा, तो सीबीआई जांच के आदेश फिलहाल दिए। तो शरद पवार के घर बैठक के बाद यह इस्तीफा दिया, और आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे से मिलने जा रहे अनिल देशमुख की मुलाकात भी हो चुकी है। तो लगातार राजनीतिक सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं महाराष्ट्र में। शरद पवार के घर बैठक के बाद यह इस्तीफा दिया है, तो इस्तीफे को लेकर के हालांकि पहले कुछ सुगबुगाहट तेज हो रही थी, लेकिन इस पूरी कवायद के बीच अनिल देशमुख पर 100 करोड़ की वसूली के आरोप की जांच फिलहाल सीबीआई करेगी। और परमवीर सिंह की अर्जी पर बॉम्बे हाईकोर्ट का ये जो बड़ा आदेश था, तो महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख का इस्तीफा। गृह मंत्री अनिल देशमुख ने दिया इस्तीफा सीबीआई जांच के आदेश के, ने सीएम उद्धव ठाकरे को अपना इस्तीफा भेजा। तो महाराष्ट्र में एक बार फिर से सियासी हलचल तेज हो गई है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख का इस्तीफा, सीएम उद्धव ठाकरे से मिलने जा रहे देशमुख और सीएम उद्धव ठाकरे को इस्तीफा सौंपा। तो शरद पवार के घर बैठक के बाद इस्तीफा दिया, तो बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को लगातार बता रहे हैं। इस वक्त की सीबीआई जांच के निर्देश के 3 घंटे के अंदर इस्तीफा, यानी कि आप घटनाक्रम देखिए कि 3 घंटे के अंदर इस्तीफा। तो गृह मंत्री अनिल देशमुख ने दिया इस्तीफा, और इसी के साथ लगातार जो सीबीआई जांच थी और सीबीआई जांच थी जिसको लेकर के ये मामला पूरी तरीके से गहराता जा रहा था, सीबीआई जांच के निर्देश के 3 घंटे के अंदर ही इस्तीफा। तो जांच होती है, पहले मामला सामने आता है, फिर जांच की बात की जाती है, संवाददाता गजानन दुबे हमारे साथ जुड़ गए बड़ी खबर पर। गजानन, शरद पवार के घर बैठक भी चल रही है, बड़ा राजनीतिक गहमा गहमी चल रही है फिलहाल, एक बार फिर सियासी हलचल तेज है, क्या कुछ अपडेट है? हमारे पास जो अपडेट है वो यही कि सीबीआई जांच के आदेश के बाद अनिल देशमुख ने सीएम उद्धव ठाकरे को इस्तीफा दे दिया, आपके पास लेटेस्ट अपडेट? देखिए, सबसे पहली बात है कि सीएम के सामने इस्तीफे की जानकारी होम मिनिस्टर ने दी है, लेकिन सीएम उस बात को मान्य करते हैं या नहीं करते हैं अब तक साफ होकर सामने नहीं आया है। 3 घंटे के कार्यकाल में बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच की जानकारी और आदेश दिए। परमवीर सिंह, पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर, इनफैक्ट आईपीएस ऑफिसर की याचिका थी, उनकी मांग थी कि पूरे प्रोब के ऊपर सीबीआई की कार्रवाई की जाए, कि सीबीआई की जांच करवाई जाए। वक्त बहुत कम लगा, हाईकोर्ट ने आदेश दिया और उसी के ठीक बाद होम मिनिस्टर अपने पद से इस्तीफे की बात कहना शुरू कर देते हैं। कहीं ना कहीं मामला बहुत ही ज्यादा गहरा चुका है। भारत के साथ महाराष्ट्र की राजनीति में ये एक बहुत बड़ी कह सकते अपडेट के तौर पे सामने आया है। ऐसा मामला अब तक भारतवर्ष में पहले नहीं हुआ था। अब सीएम खुद, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इस पूरे मामले पर, घटना पर क्या कुछ कहते हैं ये अब तक खुलकर सामने नहीं आया है। किसी भी तरह का सीएमओ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है कि होम मिनिस्टर के रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। कई सारी चीजें अब खुलकर सामने आएंगी, क्योंकि मुंबई के बार लॉबी और जो रेस्टोरेंट थे उनसे हजारों करोड़ की माल उगाही का ये पूरा मामला था, और ये इल्जाम खुद एक आईपीएस ऑफिसर ने अपने ही होम मिनिस्टर पे लगाया था। जी हेलो, कवायद को देखते हुए अब आगे किस तरीके की जो सिनेरियो बनता नजर आ रहा है, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लगातार पल पल का अपडेट दे इस खबर पर बने हुए, आपको क्या लग रहा है गजानन? देखिए, प्रारंभिक जांच 15 दिनों के अंदर होनी है ये बात तय है, लेकिन अभी सबसे बड़ा सवाल ये है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इन पूरी चीजों पर क्या कहते हैं, उनका क्या फैसला होता है, क्योंकि महाराष्ट्र की सरकार में अगर कोई मुखिया है तो वो उद्धव ठाकरे हैं। अब तक उनका कोई बयान सामने नहीं आया है, उन्होंने किसी भी तरह की प्रतिक्रिया नहीं दी है। सेंट्रल एजेंसी से लेकर सभी पॉलिटिकल पार्टी के प्रेसिडेंट, चाहे वो ऑपोजिशन लीडर देवेंद्र फडणवीस क्यों ना हो या फिर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे क्यों ना हो, जब से उन्होंने रेजिग्नेशन की बात कही है होम मिनिस्टर ने, तब तक आधिकारिक बयान किसी ने भी नहीं दिया है। अमित शाह के भी इस्तीफे की मांग हो रही है। अब न जाने कैसे इन चीजों को सेंट्रल और स्टेट को एक ही टॉपिक पे मर्ज किया जा रहा है, यानी कि आईपीएस ऑफिसर परमवीर सिंह ने जो टॉपिक उठाया था, जो मुद्दा उठाया था, वो अब राज्य से सीधे केंद्र तक पहुंचने लगा है। जी आलोक, बहुत कुछ होने वाला है।
ये बात तय है कि बहुत कुछ होने वाला है, आधिकारिक बयान का इंतजार है। जी बहुत कुछ होने वाला है, बिल्कुल आपकी ये लाइन बहुत कुछ कह रही है कि आगे राजनीति में अब क्या कुछ होने वाला है महाराष्ट्र की। लेकिन बड़ी बात यह है गजानन, समझने वाली बात यह है कि गृह मंत्री अनिल देशमुख ने जो इस्तीफा दिया वो सीबीआई जांच के आदेश के बाद अनिल मुख ने तुरंत इस्तीफा दिया, समझने वाली बात यह है। और ये बात लग रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। देखिए अगर उन्होंने इस्तीफा सीबीआई जांच के आदेश के बाद दिया है तो इसके दो दो एंगल पकड़े जा सकते हैं, दो अलग तर्क निकाले जा सकते हैं। अब इसे राजनीतिक तौर पर अगर देखें तो वो जो विपक्ष के नेता हैं, अब आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन कहेंगे देवेंद्र फडणवीस, उनका ये बयान सामने आ सकता है कि भाई महाराष्ट्र के जो होम मिनिस्टर है वो अपनी गलतियां मानने से पीछे हट रहे हैं, अब उन्हें डर लग रहा है इसीलिए उन्होंने अपने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अब इसके ऊपर जो रूलिंग पार्टी है महाराष्ट्र विकास आघाड़ी, महाविकास आघाड़ी, उद्धव ठाकरे की सरकार जिनका महाराष्ट्र पर शासन है, वो ये कह सकते हैं कि भाई हम सीबीआई जांच की निष्पक्ष जांच के समर्थन में है और शायद यही एक कारण है कि महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर ने इस्तीफा दे दिया। आधिकारिक बयान जब तक किसी का सामने नहीं आएगा, कोई भी व्यक्ति खुलकर सामने नहीं आता है, तब तक किसी भी तरह का अंदाजा लगाना गलत साबित हो सकता है। लेकिन ये तो तय है कि जब से हजारों करोड़ की माल उगाही का आरोप खुद होम मिनिस्टर पर लगा तभी से उनकी कुर्सी पर खतरा मंडराने लगा था। जी धन्यवाद इस तमाम सारी जानकारी के लिए। गजानन दुबे हमारे साथ जुड़े थे जो कि बता रहे थे कि गृह मंत्री अनिल देशमुख का इस्तीफा और फिलहाल अब जांच आगे किस तरीके से बढ़ेगी और अब राजनीति में लेकिन हलचलें कहीं ना कहीं और तेज हो गई है।